नमस्कार दोस्तों, मैं गुणम चौधरी, आप देख रहे हैं डीए वैग्रो। मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल टाइमर के बारे में, जो कि आप में अपने मोटर को समय अनुसार ऑन अथवा ऑफ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके खेत में फोगर वगैरह लगा हुआ है अथवा मोटर लगी, जो कि आपको बार बार चालू करनी पड़ती है अथवा बंद करनी पड़ती है, जैसे कि 5 सेकंड चालू, 1 मिनट बंद, 10 सेकंड चालू, 10 मिनट बंद, इस प्रकार से अगर आप टाइम सेट करना चाहते हो और अपने मोटर को अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से चालू था बंद करने वाले, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ये है मेरे पास एक टाइमर का बॉक्स, जो कि ये वाला मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। तो आज के स्टूडियो हम लोग इस टाइमर के बारे में बात करेंगे, जो कि कितना का ये वाला प्राइस है, और अगर आपको खरीदना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाके और आपको ये वाला डिजिटल टाइमर खरीद सकते हो। और चलिए वेट, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद में मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा। तो ये वाला मेरे पास सिंपल सा बॉक्स है, इसको चलिए खोल लेते हैं। कुछ इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर सबसे पहले आपको बिल देखने को मिल जाएगा, जिसको कि आपको बाद में बताऊँगा। और इसके अंदर सिंपल से ये वाला देखिए बबल रैम है, और इसके अंदर ये वाला टाइमर है छोटा सा, ये देखिए ये वाला टाइमर। बॉक्स वगैरह को रखते हैं साइड में अभी के लिए। तो ये देखिए ये वाला है वो टाइमर, जो कि डिजिटल टाइमर मैं आपको बता रहा था इस बारे में। छोटा सा डिवाइस है, जिसको कि आप दीवार पे बड़े आसानी से हैंग करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। और इस प्रकार से ये वाला डिवाइस दिखता है, ये देखिए, जो कि ये है डिजिटल टाइमर, जिसके कि माध्यम से आप इसको मोटर को आपके समय अनुसार बंद अथवा चालू कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ इससे किस प्रकार से आप लगा सकते हो। अगर आपके स्टेड में कहीं पे फुगर लगा हुआ है, जो कि आपको 5 सेकंड के लिए उसको चलाना है और 1 मिनट के लिए बंद करना है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के लिए वाला ऑन कर देगा और 1 मिनट के लिए बंद कर देगा। इसी प्रकार से आप 0 सेकंड से लगा के और 99.999 सेकंड तक आप इसको ऑन कर सकते हो, और 1 मिनट से लगा के और आपको 999 मिनट तक आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं प्रैक्टिकल तौर पे आपको करके और दिखा देता हूँ। तो क्या ये है वो टाइमर, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे छोटा सा एलईडी भी दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा सा एलईडी है, यहाँ पे कुछ एलईडी दिए गए जो कि सेकेंड मिनट बज और ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे एलईडी दिया गया। ये देखिए डिजिटल टाइमर लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टॉप, रीसेट और स्टार, 3 बटन यहाँ पे दिए गए हैं जो, और एक सेट का बटन दिया गया है जो कि ये है। और इसके नीचे आपको दिखाई देंगे जो कि ये देखिए यहाँ पे इनपुट, जो कि 230 वोल्ट ऐसे इनपुट जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी लोड चलाना हो मोटर वगैरह, और यहाँ पे चला सकते हो, लोड चल जाएगा। और पीछे की तरफ बात करें तो कुछ भी नहीं, इसको हैंगिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। और यहाँ पर देखिए इनपुट 230 वोल्ट, 1 HP मोटर, 15 एम्पीयर तक ये वाला चला सकता है, और यही है। तो चलिए मैं आपको इसको ऑन करके और फिर दिखाता हूँ। तो भाई ये देखिए यहाँ पे मेरे पास डिजिटल टाइमर है, जिसके के अंदर मैं सबसे पहले इनपुट दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनपुट के तार कनेक्ट कर दिए, और यहाँ से मैं ये देखिए ये वाला मेरे पास लैंप है, जो कि मैंने DIY बनाया था। ये वाला मेरे पास लैंप है, जो कि मैंने DIY क्रिएट किया था। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो गाइस मैंने इनपुट यहाँ से कनेक्ट कर दिया, मैं एक्सटेंशन कोड लेके आ जाता हूँ। ये देखिए ये वाला एक्सटेंशन कोड मैंने डाल लिया, और ये वाला है डिजिटल टाइमर, जिसको कि मैं यहाँ पे सिंपली रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। और उसके बाद में मैं यहाँ से इनपुट के तार डाल देता हूँ, ये देखिए। यहाँ से मैंने इनपुट और आउटपुट दे दिया, और चलिए मैं एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर वायर लगा लेता हूँ। ये देखिएगा ये वाला पूरा सर्किट चालू हो गया, जो कि 5 सेकंड के लिए चालू रहेगा। ये देखिए ये वाला ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब ये वाला मैंने 1 मिनट बंद पे सेट किया हुआ है, जो कि आपको टाइम भी साथ साथ दिखा देगा, और 1 मिनट के लिए वाला बंद रहेगा। और आपको LED में जो ब्लिंकिंग दिखाई दे रही है वो रियल लाइफ में आपको ब्लिंकिंग नहीं दिखाई देगी, ये कैमरा की वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी ये देखिए वो जो LED है वो मिनट पे स्विच हो गई अपने आप, जो कि ऑफ है। और अभी 5 सेकंड, 1 मिनट के बाद में वाला 5 सेकंड ऑन होगा, फिर से 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको इसको किस प्रकार से रीसेट करते हैं वो भी ऑप्शन दिखाऊंगा। आप आपके हिसाब से इसको जो है अपने हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हो। तो चलिए 1 मिनट ऑन देते हैं, और उसके बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिएगा ये 1 मिनट हो गई है, और ये वाला चालू हो गया 5 सेकंड के लिए। ये देखिए फिर से बंद हो गया। इसी प्रकार से वाला रोटेशन क्रम चलता रहेगा। तो गाइस अभी मैं इसको सेटअप करना बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से सिंपली आपको सेट पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे ऑन का ऑप्शन आ जाएगा, तो कितने सेकंड के आपको चालू रखना है। ये देखिए यहाँ पे सेकंड पे अभी स्विच किया हुआ है ऑलरेडी, और
यहाँ से देखिए, यहाँ से आप सेकंड पर डाल सकते हो, 999 सेकंड तक आप यहाँ पे जा सकते हो। और उसके बाद में आपको मैं देखिए 10 सेकंड के लिए इसको कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने 10 सेकंड कर लिया, और उसके बाद में आपको सिंपली सेट पे क्लिक करना है और ऑफ आ गया। और यह देखिए, और उसके बाद में एक मिनट आ गया, यहाँ से आप मिनट को बढ़ा सकते हो जो कि 999 तक आप बढ़ा सकते हो। इसको मैं 5 मिनट के लिए करता हूँ, और उसके बाद में सेट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और ये देखिए डन का आ गया सिंबल, और उसके बाद में जो ऑटोमेटिक ले वाला अपना काम करने लगेगा, क्योंकि आप जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये वाला चालू हो जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको इस वाला टाइमर का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसका भी एनेबल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट करके मुझे बताइए ये वाला टाइमर आपको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलता हूँ इसी तरह से नए अगले वीडियो में।